सो गाइस आपने पहला पार्ट देख लिया है, अब हम चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम जाएंगे नेहरू जी की गैलरी की तरफ, जहाँ पे उनका तोशखाना है। तोशखाना मतलब जहाँ पे जितने प्रधानमंत्री हैं उनको जो गिफ्ट मिले हैं वहाँ पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेहरू जी की गैलरी की तरफ। गैलरी को हिंदी में कहते हैं दीर्घा, नेहरू जी की दीर्घा, क्योंकि ये घर जो है नेहरू जी का था, तो ऑब्वियसली उनकी गैलरी भी उनकी होगी। तो ये है 1947 से 48 के बीच का वार, जो यहाँ पे जितने भी सेनानी थे जिन्होंने वार में हिस्सा लिया, किस तरीके से जो वार हुआ वो सारा यहाँ पे जो है दिखाया गया है। तो टाइम थोड़ा कम था तो हमने जो है थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया जो हमारे भारत के आधुनिक मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, जनरल फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में दिया गया है, और थोड़ा सा खुद को निहारते हुए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये स्टोन स्कल्पचर जो है टू लेडीज का बना हुआ है, एक बैठी हुई है और एक जो है उस लेडीज के जो है हेयर कॉम कर रही है। तो ये जो है स्टोन से बनाया है। और नेक्स्ट स्टोन स्कल्पचर है नेहरू जी के फेस का, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नेहरू जी डीप फोकस करके पढ़ाई करते थे तो उनके फेस के फीचर किस तरीके से उभर के आते थे। तो ये है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि जो नेहरू जी की अंतिम यात्रा थी वो किस तरीके से निकाली गई जब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे जो है बहुत देशों से जो है लोग उनके अंतिम यात्रा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, कितने लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और उन्होंने जो है अंतिम अपने मरने से पहले जो भी कहा वो सारे यहाँ पे दिखाया गया है कि नेहरू जी ने अंतिम जो अपनी अंतिम इच्छा जो है आप यहाँ पे व्यक्त की है कि मुझे किस तरीके से जो है आप लोग मेरे मरने के बाद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सारा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रधानमंत्री तोशखाना की तरफ, जहाँ पे जो है प्रधानमंत्रियों को जो है देश विदेश जाने पे उनको जो है जो भी गिफ्ट जो भी उपहार मिले हैं वो यहाँ पे जो है अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। और पूरा जो है मतलब अच्छे से दिखाया गया है कि सबका नाम मेंशन हो रखा है कि यहाँ पे इस चीज़ के इनका जो है ये उपहार है, इनका ये उपहार है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिले हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं इंदिरा गांधी जी के सैन्य कक्ष की तरफ। तो ये है इंदिरा गांधी जी का सैन्य कक्ष, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो उनका जो है ये बेडरूम हुआ करता था, अभी भी है, मतलब पूरा अच्छे से जो है इसे भी कांच से जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है और अच्छे से अंदर फैन वैन चला के रखा हुआ है, पूरा अच्छे तरीके से, मतलब जो भी मेंटेन किए हुए हैं चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है अंदर दिखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे भी जो है बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे, उनके नाम मेंशन किए गए थे कि ये चीज़ें इनको मिली हैं, इन साले प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो जो भी सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेहरू जी की कितनी पुरानी जो है पोर्ट्रेट लगी हुई है। ये देखिए कागज से जो है डिजाइन बना के रखा हुआ है। तो ये है नया प्रधानमंत्री म्यूजियम, तो यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे और इसका भी सारा वीडियो जो है आपके साथ शेयर होगा। तो तीन मूर्ति भवन से जो है आप सामने का जो नया प्रधानमंत्री म्यूजियम बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर से। तो हम लोग भी वहाँ पे विजिट करेंगे अभी और उसका व्लॉग भी जो है आपके साथ शेयर होगा। तो अब चलते हैं नए म्यूजियम के अंदर और बने रहेगा मेरे साथ क्योंकि आपको जो है आगे का वीडियो भी देखना है।